नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने इंदु बाला एंड थैंक्स टू ऑथर शेरी, जिनकी वजह से मुझे फिर से एक बार टाइम ट्रेवल करने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, टाइम ट्रेवल का मतलब भविष्य में जाना नहीं, टाइम ट्रेवल मैंने किया पीछे से और अपनी ज़िंदगी की उस घटना को मैंने नाम दिया है मेरा घर और उसकी गृहस्थी। तो चलिए फिर से एक बार बात करते हैं। बात है, वक्त है उन दिनों 1998 की। तो मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरे पास एक छोटा सा बेटा था। शाम को ये घर आए और इन्होंने कहा कि इनका एक बहुत ही जिगरी यार घर आ रहा है, वो कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत खुश थी। उन दिनों हम लोग बहुत 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 छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी मायने रखा करती थी। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने उन खास दोस्तों को नाम देना चाहती हूँ, काल्पनिक नाम वंदा भाभी एंड वीरू भैया। वंदा भाभी ने मुझसे कुछ कहा कि इंदु, क्या तुम्हें पता है कि हम यहाँ से जब जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मैं कहा नहीं भाभी। कहती ये हमारे मायके जाएंगे। मैं कहा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कहती नहीं, इसमें वहाँ कुछ नहीं, ये हमें वहाँ छोड़ने के लिए जाएंगे। तो मैं कहा तो क्या हुआ भाभी? कहती नहीं, हमेशा के लिए। कहा व्हाट? तो कह लेकिन क्यों, आप तो बहुत अच्छे से हंस रहे हैं, खा रहे हैं यहाँ पे। तो वो बोले कि नहीं, एक्चुअली बात यह है कि जितने साल तुम्हारी शादी को हुए हैं उतने ही साल मेरी भी शादी को हुए हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई बच्चा नहीं है। तो मैंने कहा भाभी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलिए सुबह उठ के इस बारे में बात करें। मैं इनसे बात करी और प्रकृति के नज़ारे आप दोस्तों समझ नहीं सकते, प्रकृति जो करवाना चाहती है वही होता है। सुबह सुबह जैसे ही हम ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे, न्यूज़पेपर खोली और सबसे पहले हमने जो ऐड पढ़ी वो था IVF सेंटर कैन नॉट प्लेस बंगाली मार्केट। तो दोस्तों मैंने इनसे बोला कि आज मैं और भाभी वहाँ जाएंगे। इन्होंने मना नहीं किया, हम लोग गए, पूरा दिन बिताया। हम घर आए बहुत सुपर सोनिक एक्साइटेड थे, हमारे पास बहुत बड़ी खुशखबरी थी, उनके पास भी बहुत बड़ी खुशखबरी थी। ये शाम को आए, इन्होंने बोला कि इनसे जो फ्लैट की हम डील करना चाहते थे वो फ्लैट डील हमारी ऑलमोस्ट क्लिक हो गई। मैंने कहा हम भी जिस काम के लिए गए थे वो चीज़ क्लिक हो गई। तो सुबह उठते ही डॉक्टर का फ़ोन आता है, उन्होंने बोला कि शायद मैं इंडिया में हूँ और ऑल द मोस्ट इसका ओवुलेशन टाइम भी यही पड़ रहा है, तो आप कोशिश करना कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूँ प्रोसीजर, तो तकरीबन इस चीज़ को 1-1.5 महीना लगेगा, हमें उन्हें कुछ दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, तब तक आप सोच लीजिए। और दोस्तों 1-1.5 महीना ही हमारे टोकन ऑफ अमाउंट के लिए था मकान के लिए, उसके बाद हमको भी बैंक का लोन मिल जाना था। तो एक दिन शाम को मैं और वंदा भाभी बैठ के जब पूजा कर रहे थे, तो याद है मुझे वो शाम और वो दिया। वो अपनी डील के बारे में सोच रही थी और मैं अपनी डील के बारे में सोच रही थी। दोस्तों किस्मत का चमत्कार देखिए, पैसे लिमिटेड थे, खुदारी का आलम यह था कि इन्होंने भी किसी से पैसे नहीं मांगने थे, हमने भी जो पैसे जमा किए थे एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट उनके IVF सेंटर के लिए जाना था। और ये डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रोसीजर क्लिक होगा, इसमें हम लोग सफल होंगे, आपके बेबी होंगे या नहीं होंगे। अल्टीमेटली हमने एक दाव खेला, हमने अपने सारी पूरी सेविंग उनको दी जितनी भी हमारी थी, हमने कहा मकान फिर बन जाएगा, कोई बात नहीं। और दोस्तों वक्त वो खूबसूरत नज़ारा दिखाया, उनके दो ट्विंस हुए। दोस्ती सबकी भगवान ऐसे बनाए रखे, उन दिनों की दोस्ती दोस्तों, ना किसी ने कुछ पूछा ना कुछ कहा, बस तू है ना मेरा यार, सब कुछ तेरे लिए। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हमने वही बिजनेस आगे बढ़ाया। और आज जिस एक अपने फ्लैट के लिए मैं इतनी चिंतित थी, आज भी हमारे पास कम से कम 400 फ्लैट हैं जिसके लिए हम सेल करते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब दिल की और दिमाग की लड़ाई होती है, आप हमेशा दिल की सुना कीजिए, भगवान का तराजू बहुत बड़ा है, वो कभी भी आपको नीचे नहीं करने देगा, ऐसा मेरा मानना है। और दोनों का काम बना, मेरा घर भी बने और उनकी गृहस्थी भी बनी, ये सच है। और जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ और आज भी उन बच्चों को देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। और इससे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलती है वंदा भाभी ने यह कहा था कि इनका नाम तुम ही रखना। ऐसे मौके कभी हाथ से मत छोड़िएगा दोस्तों, याद कीजिएगा अपनी दुआओं में मुझको सबको। फिर से आप सबके सामने इंदु बाला।